टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। मिस्टर एशिया चैरिटी 2021 और वर्ल्ड फाइनलिस्ट व भारत की मिसेज यूनाइटेड नेशन 2021 डॉक्टर सुधा कपूर ने आज दिल्ली के न्यू अशोक नगर में दसवीं पब्लिक स्कूल के पास एक डांस एकेडमी में संवेदनाएं पहल के तहत एक टैलेंट शो आयोजित किया। इसमें सभी स्पेशल बच्चों के लिए जो ऑटिज्म नामक न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित है उनको मंच प्रदान किया। आपको बता दें कि संवेदनाएं पहल अपना टैलेंट दिखाने के लिए बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। नॉर्मल बच्चों को भी संवेदनाएं एक मंच प्रदान करता है जिसके अंतर्गत अपना टैलेंट दिखाने के लिए आज के इस शो में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें नॉर्मल बच्चों के साथ साथ आर्टिस्ट बच्चे भी थे। अपनी कला को दिखाने के लिए आई शो को सफल बनाने के लिए डॉक्टर पुनीत कालरा और सरिता पाल का इस शो में खास योगदान रहा। शो में आए सभी बच्चों को समापन के दौरान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के बाद संवेदनाएं पहल के तहत यह पहला ऑफलाइन शो था जो बहुत ही सफल रहा। इस अवसर पर डॉक्टर सुजाता कपूर ने कहा कि वह इस प्रकार के कई शो कर रहे हैं और आगे भी बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए निःशुल्क मंच प्रदान करती रहेंगी जिससे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को प्रोत्साहित मिल सके। और डॉक्टर सुजाता कपूर ने कहा कि अगर आपका बच्चा भी स्वालीनता या ऑटिज्म से पीड़ित है तो आप भी संवेदना संस्था से संपर्क करके निःशुल्क मदद प्राप्त कर सकते हैं।